तो मध्य प्रदेश में मेले जो हैं मध्य वो लगभग लगभग अगर ओवरऑल बोला जाए तो 1600-1700 मेले लगते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं, उज्जैन में। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन सबसे कम कहाँ लगते हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि सबसे कम मेले लगते हैं होशंगाबाद में। तो ये दो जो हैं ये आपके क्वेश्चन हो गए जो आजकल चलने लगे नए क्वेश्चन। अब यदि मैं बात करूं कि मेले यदि लगते हैं तो निश्चित रूप में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती होगी, जो दुकानें आती होंगी, तो सबसे ज्यादा राजस्व का या सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन कहाँ से होता है? तो आंसर है ग्वालियर से। तो ग्वालियर में जो मेला लगता है उससे इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि नाम ही पड़ गया, ग्वालियर का व्यापारिक मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना कि ग्वालियर में जो मेला लगता है वो जितने भी मेले लगते हैं उसमें सबसे ज्यादा टैक्स या सबसे ज्यादा पैसा यहीं से वसूला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन ने कल पढ़े थे, अब मैं थोड़ा सा अंदर की कुछ कुछ चीजें डिटेल बता रहा हूँ जिसमें आपसे अगर कभी डीपली पूछा जाए तो आपसे बन जाए। जैसे मैं अगर पूछूं कि महाकुंभ जो है वो कहाँ लगता है, या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। अच्छा, याद रखना राजस्व के आधार पर सबसे बड़ा है ग्वालियर वाला, टैक्स के आधार पर। लेकिन अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में दुकानों के मामले में सबसे ज्यादा लगता है तो वो कुंभ का मेला है। और कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है? उज्जैन में। अब एक बात याद रखना, एक बंदा जिसको बहुत कुछ मालूम था, मैंने उससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि उज्जैन में जो मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है। तो कई बार हम बहुत हाई फाई चीजें पढ़ लेते हैं और बेसिक चीजें भूल जाते हैं, तो ये चीज हमको याद रखनी है और ऐसी चीजें हमको मिस नहीं करनी है। दरअसल में उज्जैन में ये नदी है क्षिप्रा, ये नदी है, इसी के तट पर दरअसल में मेला लगता है सिंहस्थ, या इसी को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमको परेशान कर देते, तो ये याद रखना। अब आपसे पूछा जाएगा लास्ट टाइम कब लगा था सिंहस्थ उज्जैन में, तो 16 में। और हर साल 12 साल के बाद दरअसल में क्या होता है ये मेला लगता है। तो अगली बार सिंहस्थ उज्जैन में कब होगा? तो 16 में 12 जोड़ते हैं आप तो होगा 28 को। तो ये हो गया अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगला सिंहस्थ उज्जैन में कब होगा। आंसर है 28 में। लास्ट टाइम कब लगा था? तो 16 में लगा था। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है? याद रखना गुणी लोग तेज होते हैं, ऐसा अपन बचपन में कोड कर लेते थे कि गुणी लोग तेज होते हैं। अब आजकल ये नहीं पूछता है कि तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, पूछता है कि किस जनपद में लगता है। तो ये चीज याद रखनी है, भामामाड़। तो भामामाड़ जनपद में दरअसल में लगता है। और जो ये तेजा जी हैं इनको शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है। ये भी अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाबा महाकाल का 11वां अवतार किन्हें माना जाता है जिनके नाम पर गुना जिले में मेला लगता है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है? तो 11वां अवतार किनको माना जाता है? तेजा जी को। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, और ऑप्शन में ये गुना और ये भामावड़ नहीं देता, तो ऑप्शन में देता निमाड़। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि दरअसल में अगर ऑप्शन में गुना ना हो तो निमाड़ जरूर होगा। तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग क्लियर रहता है। अब सवाल पैदा होता है ये तेजा जी का नाम इतना फेमस क्यों है? दरअसल में तेजा जी जो है वो ऐसे एक व्यक्तित्व है जिनको भगवान शंकर का अवतार कहा जाता था, और सांप का जहर उतारने का महारत इनको हासिल था। इतिहासकार बताते हैं कि गौमूत्र और गोबर की राख का प्रयोग ये अनुपात में करते थे, और जिस व्यक्ति को भी सांप काटता था उसको ये दवा उस अनुपात में बनाकर दे देते कि सांप कितना जहरीला है, और विष उतर जाता था। तो भगवान शंकर से दरअसल में इनका कंपैरिजन होने लगा, या कई लोग तो इनको भगवान शंकर का 11वां अवतार बोलने लगे। तो ये है दरअसल तेजा जी की कहानी जिसको अपन को ध्यान में रखना है। अच्छा, याद रखना तेजा जी जो है ये वास्तविकता में राजस्थान का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, लेकिन चूंकि राजस्थान से गुना वाला एरिया जुड़ा हुआ है तो यहाँ इनके भक्त का नंबर ज्यादा हो गया। असल मायने में ये राजस्थान से है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है हीरा भूमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दरअसल में हीरा भूमिया ये आदिवासी व्यक्तित्व है एक, और ये आदिवासी व्यक्तित्व में मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो आदिवासी लोग होते हैं वो तांत्रिक विधि या तांत्रिक क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हैं, और इसी वजह से कभी भी यदि कोई बांझ महिला इनके पास आती तो उनकी गोद जो है वो भर जाया करती थी। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा संत है जिसका मेला ग्वालियर में लगता है और वो मुस्लिम महिलाओं की बांझपन को या संतानहीनता को दूर कर देते थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, हीरा भूमिया। तो हीरा भूमिया की जो अचीवमेंट है या हीरा भूमिया जो है वो इसलिए फेमस है, और इनका मेला जो है ग्वालियर में भी लगता है और गुना में भी लगता है, डोंट बी कंफ्यूज। अब आते हैं पीर बुधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पीर बुधन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये गुरु नानक देव जी के समकालीन है, और पीर बुधन जो है ये इस्लामिक कल्चर में एक संत है। ये अपने आश्रम में बकरी भी पालते थे और शेर भी पालते थे, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमेशा ये शेर को बोला करते थे, ऐसी किंवदंती है कि शेर को बोला करते थे कि तुम जाके बकरी का दूध लेके आओ। एक बार गुरु नानक देव जी जब पहुंचे तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे दूध चाहिए है, तो दरअसल में इन्होंने बकरी का जैसे ही दूध शेर को लाने के लिए बोला तो गुरु नानक देव जी ने इनको बोल दिया कि भैया अभी नहीं चाहिए मुझे, मैं कभी बाद में आऊंगा और अपना दायां अंगूठा हिलाऊंगा तब तुम मुझे देना। तो फिर सिखों के छठवें गुरु जो हरदेव जी हैं वो आते हैं और इनसे इस तरह का फिर सेवन करते हैं, ऐसी इतिहास में जिक्र आता है। ये कहानी में अभी बिल्कुल नहीं सुना रहा क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, बस आप ये चीज समझें कि गुरु नानक जी के समकालीन हैं ये मुस्लिम संत। नाम है इनका पीर बुधन, और इनका मेला जो है या इनका जो, दरअसल में एक बात ध्यान से सुन लो, आपसे इंटरव्यू पूछते उर्स किसे कहते हैं, तो इस्लामिक संत की मजार पर जो भीड़ जुटती है उसको उर्स कहते हैं, जिसको इंडियन कल्चर में मेला कहते हैं। अगर इस्लामिक कल्चर में कोई संत है, उसकी मजार है, कोई समाधि है, तो वहाँ जो भीड़ है वो जमघट है, वो मेला ना बोल के उसको उर्स बोल देते हैं। तो इसलिए ये चीज आप याद रखना कि पीर बुधन का उर्स या पीर बुधन का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, शिवपुरी में उनकी समाधि में लगता है। अब नागा जी का मेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नागा जी का मेला। तो मैंने कल आपको बताया था कि नाग कहाँ से डसता है पिया, मुंह से डसता है, वैसे अपन याद कर सकते हैं। और ये अकबर के समकालीन थे, अकबर इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद इनके पास गया था नागा जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगर आप लोग रीवा से होंगे तो रीवा में पंडितों का नंबर ज्यादा है, भगवान शिव को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, और भगवान शिव मतलब महामृत्युंजय, तो इसीलिए महामृत्युंजय का मेला कहां पर लगता है, रीवा में लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको कई बार पूछा है धामोनी ओस। दरअसल में एक बाबा हैं, ये दरअसल में इस्लामिक कल्चर के एक प्रसिद्ध संत हैं, जिनका नाम है बाबा मस्तान अली शाह, इनको शॉर्ट में कई लोग अली शाह भी कहते हैं। तो दरअसल में इन्हीं का जो समाधि स्थल है या इन्हीं की जो दरगाह शरीफ है सागर में, वहीं पर दरअसल में लगता है मेला। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, धामोनी उर्स जो है जो सागर में लगता है, ये तो क्वेश्चन है, ये किन को समर्पित है, तो आपको ये नाम याद रखना है, बाबा मस्तान अली शाह। इसमें कई बार अगर पीर बुधन नाम दे देता ना ऑप्शन में तो भारी कन्फ्यूजन होने लगती है। अच्छे से देख लो, पीर बुधन जो है उनका संबंध कहाँ से है, कल मैंने आपको बताया था पा और रा, तो जब अपन शिवपुरी लिखते हैं तो उसमें पा भी मिलता है और रा भी मिलता है, ऐसे कंफर्म करते हैं। और ये जो है ये किनको समर्पित है, पीर बुधन इस्लामिक संत हैं, जबकि धामोनी उर्स जो समर्पित है वो किनको समर्पित है, बाबा मस्तान अली शाह को। तो इस तरह से हमको चीजें याद रखनी है। चांदी देवी का मेला या चंडी देवी का मेला, सीधी सीधी सी चीज है कि सीधी में लगता है, तो अपन ऐसा भी याद कर सकते हैं कि चंडी सीधी होती है, तो ऐसे भी ये चीज आ सकती है। परंतु मैंने देखा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आजकल ये नहीं पूछते हैं कि चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, किस जिले में, आजकल जिला ना पूछ के वो पूछते हैं उस स्थल का नाम बताओ पर्टिकुलर, तो आंसर है घोघरा। जैसे एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, उसको आप याद रखना, एक मेला है बरमान का, जमाने को पता है कि बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है, लेकिन आजकल वो ये ना पूछ के कि नरसिंहपुर में लगता है, वो पूछते कौन से घाट में लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता, ब्राह्मण घाट। और अभी एसआई में जब 2016-17 में एसआई का वैकेंसी आया था, तो मैं बता रहा हूँ इससे कम से कम 10-10, 20-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने दिन चलता है, कौन से घाट पे लगता है,
कौन से अवसर पे लगता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये डाटा नहीं पता कि बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में ब्राह्मण घाट में लगता है और वो नदी जो बाजू से बहती है द नेम इज नर्मदा। ये चीज याद रखना। कई बार अपन बेसिक चीजें देख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, इस तरह से चीजें तो ये याद रखना है ना। इसलिए मैं ये चीजें एक एक करके बता दे रहा हूँ जिसमें आपके दिमाग में बिल्कुल कुछ ना पले। जागेश्वरी देवी का मेला जो है ये अशोक नगर में चंदेरी, वही मालवा का प्रवेश द्वार, आज अपन ने पढ़ा था मेदिनी राय, है ना, तो यहाँ पर लगता है ये मेला। अब इसके बाद रामलीला का मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मेरी मत ध्यान से सुनना। कई किताबों में रामलीला का मेला जो है ग्वालियर में भी दिया है और कई किताबों में दतिया में भी दिया है। तो दरअसल में जो ये भांडेर तहसील है, असल मायने में ये दतिया जिले के अंतर्गत आती है। तो अब राइट आंसर यदि होगा इसका कि रामलीला का मेला कहाँ लगता है, तो भांडेर तहसील होगा ही होगा, दतिया जिला जरूर याद रखना है आपको। अमरकंटक का तो सबको पता है कि अमरकंटक का मेला, लेकिन आपसे पूछते हैं नदी, तो यदि आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है तो फिर आपको कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कोई दम बचा नहीं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, होशंगाबाद में लगता है। 30 से 40 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, परंतु बहुत कम लोगों को मालूम है कि होशंगाबाद में भी एक जगह है जिसका नाम है सोडलपुर, यहाँ लगता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे खुद पूछा जाएगा कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद में कहाँ, तो सोडलपुर नामक स्थल में लगता है। अब उसके बाद में मैंने आपको कल पढ़ाया था सिंगा जी और कालू जी, ये दरअसल में गुरु शिष्य हैं, तो इनका मेला भी वहीं लगेगा जहाँ गुरु होगा वहीं शिष्य। तो खरगोन में एक जगह है पिपलिया गांव, अच्छा मैंने आपको बताया था खरगोन को बोलते हैं पश्चिमी निमाड़, तो कई बार वो खरगोन शब्द ना देके पश्चिमी निमाड़ देता है, तो थोड़ा तैयार रहना इस चीज के लिए। तो सिंगा जी का मेला जो है वो खरगोन जिले में, मतलब पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया गांव में, और सेम टू सेम कालू जी का मेला भी यहीं पर लगता है, मतलब खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में या पिपलिया गांव में लगता है। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वो लोग जो बिल्कुल शुरू शुरू तैयारी कर रहे हो, पहली बार मेरे से पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगोरिया हाट और भगोरिया मेला कहाँ लगता है। तो दरअसल में झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ये तीन जिले आपको बिल्कुल टोटल रट के रखने हैं, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस जब भी लिखवाएगी भगोरिया तो आप ये तीन जिलों का नाम पहले ही लिख दोगे। कुछ भी पूछे भगोरिया नृत्य, भगोरिया हाट, भगोरिया मेला, आपको सीधे सीधे दरअसल में बोलना है कि सबसे ज्यादा ये स्थल नंबर वन पोजीशन पे है झाबुआ, नाउ सेकंड नंबर पर आपका हो जाएगा अलीराजपुर, एंड थर्ड नंबर पे धार। तो ये तीन जगहों पर दरअसल में लगता है भगोरिया हाट या भगोरिया मेला, लेकिन सबसे प्रमुख कहाँ पर है, झाबुआ। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि होली के दिन दरअसल में ये मेला लगता है और इसमें बहुत सारे उत्सव होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। अब एक है बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोगों को भारी कंफ्यूजन होता था, कई बार हम लोग इसको सागर टिक करने जाते थे, कई लोग शिवपुरी टिक करने जाते थे। तो फिर हमारा एक दोस्त था, मैंने आपको कई बार बताया सुदीप, उसने हमको सिखाया था कि बाबा साहबुद्दीन जो है औलिया, ये दरअसल में इस्लामिक कल्चर के हैं, लेकिन आयुर्वेद शिक्षा पद्धति पे बिलीव करते थे, और जब भी आयुर्वेद की बात आएगी तो बिना नीम के तो काम हो ही नहीं सकता। तो इससे हमको ये चीज हमेशा कन्फर्म हो गई थी कि साहबुद्दीन औलिया का उस कहाँ पर, नीमच में, या आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, साहबुद्दीन के लास्ट में ना आता है तो यहाँ नीमच में भी ना आता है। तो इस तरह से ये चीजें मिल जाती हैं अपन के लिए आसान। सोनगिरी का मेला कहाँ लगता है, कभी नहीं पूछेंगे कि दतिया में लगता है, सबको रटा रखा है। पूछते हैं कि सोनगिरी का मेला किस धर्म को समर्पित होकर लगता है, तो याद रखिएगा जैन धर्म को समर्पित होकर ये मेला 5 दिनों तक चलता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मठ घोघरा का मेला कहाँ पर लगता है, तो सिवनी जिले में लगता है, और कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो ये है वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को मैंने पहले ही दे दिया जो आते हैं क्वेश्चन, परंतु कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बना दिए हैं ये 24 जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं 4 ऑप्शन में से, जैसे गधों का मेला कहाँ पर लगता है, उज्जैन चित्रकूट में भी है ना, तो याद रखना चित्रकूट नहीं देगा तो सतनागढ़ देगा। फिर प्रदेश का व्यापारिक मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर में। नवग्रह का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये जरा इसमें एक बार आप अपने स्तर पर इसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो कहीं टाइम ना लग जाए, मुझे और भी चीज़ समझानी। तो भैया जी ये अगर आपने तैयार कर लिए तो ये आपका मेला हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन फ्री।
इसमें एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल, मधानता का मेला कहाँ पर लगता है, ये थोड़ा सा याद रखना। और लास्ट में एक है मड़ई, मतलब दोनों में माँ माँ है, पता नहीं क्या है, तो ये दोनों बड़े पूछे जा रहे हैं कि मधानता का मेला लगता है खंडवा में और मड़ई का मेला लगता है मंडला और डिंडोरी में। और उससे भी इम्पोर्टेंट है, गोंड जनजाति के लोगों द्वारा दिवाली के 2 दिन बाद दरअसल इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आदिवासी कल्चर को आगे बढ़ाने वाला एक मेला हो गया। और वर्तमान में सरकार भी कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को ज्यादातर चीजें या ज्यादातर संसाधन मुहैया हों या आदान प्रदान की चीजें ज्यादातर मिले, जिससे उनका माइंडसेट एकदम क्लियर हो सच्चाई के प्रति। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है।